पुराना फिल्मी गाना है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। गाने में प्रेमी प्रेमिका की बेवफाई का जिक्र करता है। कुछ ऐसी ही कहानी भागलपुर के वारसलीगंज से सामने आई है। ये कहानी लिखी गई एक नाबालिग प्रेमिका के द्वारा, और भुगत रहा है उसका प्रेमी, जिसने घर से भागकर अपने प्रेमी से शादी तो कर ली लेकिन बाद में घर वापस लौट आई। मामला यही नहीं खत्म हुआ, प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर अपहरण का केस भी दर्ज करवा दिया। अब प्रेमी सलाखों के पीछे है तो उसकी माँ पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है। 17 वर्षीय प्रेमिका काजल और 20 वर्षीय प्रेमी यश एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। देखते ही देखते दोनों की नजरें मिली और दोनों में अटूट प्यार हो गया। वह दोनों एक दिन योजना बनाकर घर से फरार हो गए और राजकोट जाकर एक मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर यश ने काजल की मांग भर दी। दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। फिर यश अपनी पत्नी काजल को लेकर अपने घर भागलपुर आ गया। यहां भी दोनों तकरीबन 2 महीने साथ साथ खुशी से बिताए, लेकिन अचानक क्या बात हुई कि लड़की अपने मायके चली आई, फिर लौटकर अपने प्रेमी यश के पास नहीं आई। वहीं लड़की काजल की मां ने यश पर अपनी बेटी के अपहरण व नाबालिग होने के 166 के तहत केस दर्ज करवा दिया, जिसके चलते यश को 18 अप्रैल 2022 को पुलिस ने सलाखों के पीछे कर दिया। यश की मां का कहना है कि मेरे बेटे को जेल से निकाला जाए, उसका कोई गुनाह नहीं है, दोनों ने प्रेम किया था, फिर अपहरण की बात कहां से सामने आ रही है। अगर मेरा बेटा दोषी है तो मेरी बहू काजल भी तो शादी करके रह रही थी, उसे क्यों नहीं सजा दी गई, जिसकी वजह से युवक की मां रोज उच्च पदाधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। उनका कहना है कि अगर मेरे बेटे को जेल से नहीं निकाला गया तो मैं जान दे दूंगी। पैसा के लिए मौजूद था, सरकार भी मेरा नहीं सुनता है। सरकार इस बात को निर्णय ले कि हाँ कोर्ट में क्या होता है, नहीं होता हाकिम को आँख रहते हुए पर दिखाई नहीं पड़ता है। सच का मामला करे, प्रशासन पे आईओ पे धारा लगा कि पैसा ले करके कार्रवाई करता है। वो लोग पैसा ले करके लेन देन करके उस कोर्ट में केस बनाता, झूठा झूठा बयान दे करके फंसा देता बच्चे को। ऐसे में विधवा औरत कहाँ से पैसा लाएगा, कैसे अपना बेटा को छुड़ाएगा, हम किसके आसरा रहेंगे। मेरा बेटा को सेंटा जेल में ना मणिकांत का बेटी जो है काजल कुमारी जो है जेल कर दिया, और हम कुहार लगा रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं कि मेरा बेटा को जो जेल से निकाल दिया जाए। मेरा बेटा उसको लड़की से शादी ब्याह किया, लेकिन जो है ना वो लड़की कहती है कोर्ट में बयान दे करके कि लड़का जो है ना हम 15 दिन दोस्त था, हम घूमने फिरने गए थे, लेकिन जो है ना वो कह रही है कि हमारा वो रिश्तेदार है दोस्त। मामला ही है कि हमारा बेटा से वो शादी की और फंसा रही है कि जगह ज़मीन लिखो तब तुम्हारा बेटा को छोड़ाएंगे, नहीं तो नहीं छोड़ाएंगे। जगह ज़मीन मेरे नाम से नहीं है, और हम जो है कुहार लगा रहे हैं कि मेरा बेटा गलत नहीं है और शादी की है, तुम मेरे घर में रह सकती है बेटा पुतौह बन करके। लड़की नहीं रह रही है, नहीं रह रही है सर। और वो जो है ना उसका माँ हम पे कई बार 4 खेप जो है ना वार्निंग किया मरवाने का, और खुद बोली कि तुम्हारा बेटा को मरवा दे। कैसे गया जेल? जेल कैसे गया? वो लड़की केस की मेरा बेटा के संग, 2 महीना जेल वहाँ अप राजकोट रही, 2 महीना यहाँ रही, यहाँ मेरे घर घुस करके 12:30 रात में, और इस हालात में वो जगह ज़मीन के विषय में बोली कि लिखो, नहीं लिखा मेरा बेटा तो जेल करा दी सर, हम मर जाएंगे इस हालात में, हमको जो है ना आप हमको अथी करवा दीजिए। लोगों से गुहार भी लगा रहे हैं आप? हम तो गुहार लगा रहे हैं सर, हम मर जाएंगे। एसपी साहब के पास भी गए थे? हाँ सर, हम एसपी साहब के पास भी गए। क्या नाम हुआ आपका? सोनी देवी। बेटा का नाम? यश कुमार। और उसके साथ जो लड़की रहती थी क्या नाम है? काजल कुमार। गौरतलब हो कि यश की माँ विधवा और लाचार है, वह चौका बर्तन कर अपने घर को चला रही है।
उसके पास 12 वर्ष की बेटी ही एक सहारा है। यश की माँ का साफ तौर पर कहना है कि मेरी बहू बेवफा निकल गई, जिससे मेरा बेटा बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब वही लड़की कह रही है कि जब तक मुझे अपनी जमीन मेरे नाम नहीं कर देते, तब तक मैं उस घर नहीं जाऊंगी। माँ ने यह भी बताया कि मुजाहिदपुर थाना अध्यक्ष के साजिश के तहत मेरे बेटे को जेल भेजा गया। यह लड़की बालिग है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वहीं काजल के पिता मणिकांत सब्जी बेचने का काम करते हैं और उसकी मां शकुंतला देवी एक गृहिणी है। पूरा परिवार मिर्जान हाट के वारसलीगंज मछली पट्टी में रेंट पर रहता है। प्यार, इश्क, मोहब्बत और शादी, फिर बेवफाई के चक्कर में जहां लड़की मां के चंगुल में कैद है तो लड़का सलाखों के पीछे। देशवा न्यूज के लिए भागलपुर से अजय की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।